हाय गाइस, मैं अमेजोन पे ना गैजेट्स खरीद रहा था और उस बीच मेरे को ये मिनी कंप्यूटर दिखा सिर्फ 10,000 रुपये का और मुझे बहुत अच्छी डील लगी यार। इसकी स्पेसिफिकेशंस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कमाल की है, मतलब जो इसका प्राइस है उस हिसाब से। लेकिन मैंने जो मिनी पीसी खरीदा है ना, ये ना रिफर्बिश्ड है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बॉक्स पे यूज्ड येट न्यू। तो फैक्ट तो ये है कि आज के टाइम पे 10,000 रुपये में आपको कोई भी ब्रांडेड पीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर है ना, जियो ने ये जियो बुक लॉन्च करी थी जो कि मैं बोलूँगा बहुत बेकार थी। और जियो बुक के मुकाबले जो मैं आज आपको मिनी कंप्यूटर दिखा रहा हूं वो बहुत बेटर है। इसका नाम है डेल ऑप्टीप्लेक्स। मैं बॉक्स आपको खोलकर दिखाता हूं, उससे पहले यहां पर लिखा हुआ है ए माइक्रोसॉफ्ट ऑथराइज्ड रिफर्बिशर। ये एक अच्छी चीज है। खैर यहाँ पे छोटे से एरिया में स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई है, हैंड रिटन, ये फनी है। और नीचे की साइड हमें जो है यहाँ पर मिलती है इसकी केबल जो कि इसको पावर देगी। और मैं ये हटा देता हूँ। ये है 10,000 रुपये का मिनी पीसी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। पोर्ट्स देखो बहुत सारे हैं। अच्छा, इस साइड जो है ना, इसकी पावर ब्रिक भी है, मैंने अभी भी नोटिस करी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस मिनी पीसी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार और मैं जो हूं आप लोग का ना टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, इसका डिजाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हैवी है ये, एक्चुअली में पूरी मेटल बिल्ड है और इसका डिजाइन बहुत मतलब छोटा है, मतलब समझ रहे हो, टेबल पे रखोगे ज्यादा जगह नहीं लेगा ये। सबसे क्रेजी बात तो मेरे को ये लगी कि इतने सारे पोर्ट्स इसके अंदर मिल जाते हैं, पूरा लोडेड है ये। जैसे कि फ्रंट के अंदर हमें माइक के लिए भी पोर्ट मिलता है, हेडफोन जैक भी है, एक जो यूएसबी है इनमें से 3.0 है और दूसरा नॉर्मल यूएसबी पोर्ट मिलता है। इनफैक्ट इस पीसी के ना बैक साइड में और 4 यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिलते हैं और इसके अंदर भी एक जो है यूएसबी 3.0 है। यहाँ पर वीजीए पोर्ट मिल जाता है और इसी के साथ में डिस्प्ले पोर्ट भी है और यहाँ पर राइट साइड में हमें इथरनेट मिल जाता है। तो मतलब पूरा लोडेड है। अच्छा, एक और बात, अगर आप इसके साथ कोई मॉनिटर खरीदने का प्लान करते हो तो बहुत इजीली मिल जाएगा आपको बजट कैटेगरी में जो इसके अंदर वीजीए पोर्ट होगा। नहीं तो ऐसे भी मॉनिटर होते हैं जिनके अंदर डिस्प्ले पोर्ट होता है, तो वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से। और मैं सबसे शॉकिंग और अपने फेवरेट पार्ट की बात करूँ ना, तो इस पीसी को इतनी ईजिली अपग्रेड कर सकता है कोई भी, चाहे उसको टेक की नॉलेज भी ना हो। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको, मतलब लाइव। इसको खोलने के लिए यहाँ पर स्क्रू दे रखा है और मजे की बात ये थंब से भी खुल जाता है इसकी मदद से। और मुझे जस्ट ये ऐसे घुमाना है, स्क्रू ड्राइवर की नीड नहीं है किसी को भी। देखो अभी पूरा खुल गया। अब मैं इसको ऐसे स्लाइड कर दूंगा। अब मैं ऊपर की तरफ ऐसे खोलता हूँ और देखो सारे इंटरनल्स यहाँ पे दिख गए हैं, फैन वगैरह। अच्छा, इस पीसी को रिकमेंड करने का मेन रीजन ये एसएसडी है। इसके अंदर एक्चुअली में एसएसडी मिल रही है यार 10,000 रुपये में और ये 256 GB की है और निकालना देखो कितना इजी है, पूरा मॉड्यूलर है यार ये। अगर इस एसएसडी की स्पीड्स की बात करूँ ना तो 550 MB के करीब है यार, बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर है। और अगर आपको इस पीसी के अंदर वाईफाई कनेक्ट करना हो ना तो आप यहाँ पर वाईफाई कार्ड भी लगा सकते हो। और अब मैं आपको फैन निकाल के दिखाता हूँ। इसके नीचे जो है ना CPU और साथ में जो है हमें रैम के स्लॉट मिलेंगे। मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसके नीचे CPU है और देखो रैम हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी 8 GB की रैम इसमें लगी हुई है। इसी तो मैंने वापस बंद कर दिया और बंद करना खैर आसान था। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ ना तो इसमें i5 प्रोसेसर मिलता है 4590T। 2014 में लॉन्च हुआ था। आई नो काफी लोगों को लग रहा होगा कि 2014 तो बहुत पुराना प्रोसेसर है, अच्छा नहीं काम कर रहा होगा। देखो फिर से रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जियो बुक में जो है मोबाइल प्रोसेसर है। स्टिल अगर मैं इस 10,000 का मिनी पीसी जो मैं आपको बता रहा हूँ और जियो बुक को कंपेयर करूँ ना तो ये जो मिनी पीसी है ना इसके अंदर विंडोज 10 प्रो डली हुई आती है। विंडोज 11 पे भी अपग्रेड ऑब्वियसली कर सकते हो। और मैं सिंपल सी बात बोलूंगा यार, जियो बुक बहुत ट्रैश है परफॉर्मेंस के मामले में, मतलब ये बहुत घटिया चलती है। जबकि आप इस मिनी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टास्क इतना ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको लगातार एप्स खोल के दिखा रहा हूँ ना, जियो बुक आधी चीजें रन ही नहीं कर पाती। और भूलना मत कि जियो बुक जो है 15,800 रुपये की है और ये तो कुछ भी रन ही नहीं कर पाती। आपको एक्चुअली में अगर कुछ काम करना है तब मुझे 10,000 की ये बहुत बहुत सेंसिबल चीज लगी है। और डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। मैंने इस पीसी के अंदर जो है ना पीसी मार्क 10 एक सॉफ्टवेयर होता है वो रन करा जो कि दिखाता है कि आपका कंप्यूटर कितना केपेबल है नॉर्मल ब्राउजिंग करने के लिए। भाई एक्चुअली में केपेबल कंप्यूटर है। इनफैक्ट मैंने गीक बेंच भी रन करा, उसके मल्टीकोर स्कोर बहुत अच्छे आए हैं। और एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने सिने बेंच भी रन कर दिया और वहां पर भी स्कोर जो है बहुत रिस्पेक्टेबल आया 10,000 रुपए के हिसाब से। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये पीसी किसी भी लेवल की गेमिंग नहीं हैंडल कर सकता और इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। इंटेल HD ग्राफिक्स 4600 उसका नाम है। वैसे मैंने इसमें गेमिंग टेस्ट करी है तभी कह रहा हूँ अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैंने CSGO इसमें इंस्टॉल करा बिल्कुल लो सेटिंग्स में भी ये नहीं चला पा रहा था। ये सिंपल सा काम कर सकता है कि भाई आपकी ब्राउजिंग बहुत अच्छी तरीके से कर देगा और जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी वाली एप्स होती है ना, जैसे कि आपको पावर पॉइंट चलाना है, एक्सेल वगैरह चलाना है, भाई हैंडल कर जाएगा। खैर कंक्लूजन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैं पीसी आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो मुझे पता है ये आर्ग्यूमेंट रहेगा कि मॉनिटर का भी अलग प्राइस है और कीबोर्ड और माउस का भी एक अलग प्राइस हमें काउंट करना चाहिए। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपको नया मॉनिटर लेना है वो भी 4500 रुपये से स्टार्ट हो रहा है और कीबोर्ड माउस अगर आप नया लेने जाते हो तो 700 रुपये का कॉम्बो मिल जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको नई चीज़ें लेनी है, आज के टाइम पे किसी भी मार्केट पे जाते हो आप तो आप यूज्ड भी ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल बजट में कोई कंप्यूटर चाहिए, मुझे तो ये बहुत सेंसेबल चीज़ लगी है। मतलब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एनी डे ब्राउजिंग के लिए और वो टास्क अच्छे से हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग बजट में जो है जियो बुक खरीदने से अच्छा कि हम कुछ एक ऐसी चीज़ खरीदे जो एक्चुअली में हमारा काम ढंग से करेगी और उसमें ऐप्स भी चलेगी क्योंकि विंडोज़ है यहाँ पर। खैर आप क्या सोचते हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर अगली मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।